उत्तरप्रदेश वाराणसी आरंभ होइछि प्रवासी भारतीय सम्मेलनी द्वितीय दिन में आज वाराणसी में पहुंची कार्यक्रम शुभारंभ यार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलनी प्रथम दिन युव प्रवासी भारतीय नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वैदेशिक व्यापार मंत्री सुषमा स्वराज एक कार्यक्रम में जोगद 15तम प्रवासी भारतीय दिवस 30 तारीख पर्यंत चलो ए अवसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी 8 जन प्रवासी भारतीय को यूपी रत्न सम्मान प्रदान कर मॉरीशस प्रधानमंत्री परविंद जगन्नाथ एथिरे स्वतंत्र अतिथि भाव जोगद अवसर में प्रवासी भारतीय प्रयागराज कुंभ मेलार मजा नहीं पारे आप सभी जहां भी रहे सुखी रहे और सुरक्षित रहे। बीते 4.5 वर्षों के दौरान संकट में फंसे 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई है। आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट वीजा पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रेरणा वाराणसी में प्रवासी महाकुंभ संभव हो पारी बोली सम्मेलनी में जोगद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहते उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहा है, लेकिन इस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से जहां हमें काशी और बदलती हुई काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ होगा। आज से 5 वर्ष पहले जो लोग भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में काशी के घाटों में काशी की सड़कों में काशी के मंदिरों में गंगा में नौकायन करते समय जिन्होंने काशी का अवलोकन किया होगा, विगत 4.5 वर्ष के अंदर काशी की पुरातन काया को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए उन्हें स्पष्ट महसूस हो रहा होगा। काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए भी विकास की आधुनिक दौड़ में आगे बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में माओवादी आतंक राज माओवादी मैंने 3 जन ग्रामवासी को हत्या कर गड़चिचोली जिलार भामरागड़ अंचल घटी घटना पुलिस इनफर्मर सन्देह तीन को माओवादी मैंने हत्या कर हत्या करने पूर्व माओवादी मैंने ग्रामवासी को अपहरण कर आज भी जम्मू और काश्मीर में आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी गुड़ विनिमय जारी रही सुरक्षाकर्मी गुड़ में 3 जन आतंकवादी निहत हो सूचना मिली तेज मृतकों मध्य जड़े आईपीएस अधिकारी भाई जमापड़ एवं सोपियान जिलार सिरमाल अंचल में उभय पट गुषण जारी रही सूचना मिली आज सका संपुक्त अंचल में 2 रु 3 आतंकवादी लुचि रही खबर जमापड़ा पर सर्च अपरेसन आरंभ होता गतकाली मध्य बड़गाम जिले में आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी संघर्ष होता 2 जन आतंकवादी निहत होते हैं।